हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या, ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को, फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इट स्टेट्स दैट In the absence of external force, the total momentum of the system is constant, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी भी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई ना किया जाए तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, अनचेंज्ड होगा, जो पहले था वही आगे भी होगा। ठीक है, इस बात को हमें प्रूफ करना है। चलिए एक सिस्टम ले लेते हैं। इस सिस्टम में मैं ले रहा हूं कि दो पार्टिकल्स हैं। सपोज दिस इज टू पार्टिकल सिस्टम, मास m1 एंड मास m2। ठीक है, ये टू पार्टिकल सिस्टम है एंड द पार्टिकल वन हैविंग द मोमेंटम p1 एंड पार्टिकल टू हैविंग द मोमेंटम p2। Then total momentum of system P is equal to, since it is a vector quantity, so I am writing with vector sign, total momentum of the system, system ko momentum hai. तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, से इक्वेशन नंबर वन। नाउ सपोज एफ वन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एम वन एंड एफ टू फोर्स इज अप्लाइड ऑन एम टू। जब फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग पार्टिकल्स पे तो पार्टिकल्स का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। न्यूटन साहब तो यही बता करके गए ना कि अगर आप किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि फोर्स लगाने पर मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज डेल पी वन एंड इन द सेकेंड पार्टिकल इज डेल पी टू and the force is applied for the very short time interval del t such that del t tends to zero। मतलब F1 और F2 जो force apply किया गया है ये बहुत ही short interval के लिए apply किया गया है, del t interval के लिए। then लिख दूं क्या? now let F1 and F2 forces applied for very short interval
डेल टी टेंस टू जीरो, देन चेंज इन मोमेंटम सिस्टम के मोमेंटम में कितना चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डेल पी वेक्टर इक्वल टू डेल पी वन वेक्टर प्लस डेल पी टू वेक्टर, दोनों बॉडी के मोमेंटम के चेंज के बराबर चेंज होगा। अब इस इक्वेशन को आप डेल टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो अपॉन डेल टी हो जाएगा, ये भी अपॉन डेल्टी हो जाएगा और ये भी अपॉन डेल्टी हो जाएगा, ठीक। एज डेल्टी टेंस टू जीरो बोला गया है, ये जो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो जब भी डेल्टी टेंस टू जीरो होता है, टाइम इंटरवल छोटा होता है, डिफरेंस छोटा होता है, तो उस केस में जो डेल्टा है ये डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिख सकते हैं dp वेक्टर बाय dt, ठीक है, जब छोटा होता है तब हो जाएगा dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt, ठीक है। इसको यहां पर अब आ जाइए, थोड़ा सा न्यूटन साहब के बारे में याद करिए। ठीक है, यहां मैं आपको समझाने का काम करूंगा। अगर आप न्यूटन साहब को याद करें तो उन्होंने क्या बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही बताया ना न्यूटन साहब ने, ठीक है। और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो याद करिए एक कांस्टेंट आएगा और इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में क्या हो जाती है, वन, तो के इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीपी बाई डीटी, है ना। तो इस हिसाब से ये जो डीपी वन बाई डीटी है ये क्या होगा, ये F1 फोर्स के बराबर होना चाहिए जो अप्लाई किया गया है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं F1 वेक्टर प्लस dp2 F2 वेक्टर के बराबर होना चाहिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब आगे बढ़ा जाए, n का कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहां जो फोर्स F1 हमने लगाया है, इस F1 फोर्स में दो चीजें होंगी, इंटरनल मतलब F1 क्या है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वन, टोटल फोर्स का मतलब इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, F1 इंटरनल, यहां F1 एक्सटर्नल, इन दोनों का सम F1 के बराबर होगा। एंड इसी तरीके से F2 वेक्टर किसके बराबर होगा, F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक है। इस बात को ऊपर पुट कर दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, dp वेक्टर बाय dt इक्वल टू f1 की जगह क्या लिख दें, f1 इंटरनल प्लस f1 एक्सटर्नल, ये f1 की जगह पे हो गया, प्लस f2 इंटरनल प्लस f2 एक्सटर्नल, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए इंटरनल इंटरनल को एक पास लिख लिया जाए,
एफ वन इंटरनल एक साथ प्लस एफ टू एक्सटर्नल इंटरनल 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 एक पास लिख दिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक पास लिख देते हैं, एफ वन एक्सटर्नल प्लस एफ टू एक्सटर्नल ठीक है। अब देखिए जो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है ठीक है। देन एफ वन इंटरनल प्लस एफ टू इंटरनल इक्वल टू जीरो, तो अगर ये जीरो हो गया तो बचा क्या, डीपी वेक्टर बाय डीटी इक्वल टू एफ वन एक्सटर्नल प्लस एफ टू एक्सटर्नल। एक तरीके से ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स है क्या, तो मैंने इसको लिख दिया एफ एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ठीक है। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल गई यहां पर, इन्होंने मतलब यहां से ये बात साफ हो गया कि जो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा ठीक है। अब देखा जाए पर स्टेटमेंट क्या कहता था, यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इट स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। तो ऐसे केस में नाउ इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन डीपी बाय डीटी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो ठीक है। और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कुछ जानते होंगे आप लोग, जैसे हमारी एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स टू द पावर एन का, तो ये कितना आता है एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर होता है तो वो हमेशा जीरो आता है ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं कि इफ द डिफरेंशिएशन इज जीरो देन नंबर इज कांस्टेंट। तो उस हिसाब से अगर पी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो यानी कि पी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात यहां पर साफ हो गई कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। Which is law of conservation of linear momentum, which verifies law of conservation of linear momentum. ठीक है, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। सिंपल टॉपिक है न्यूटन्स
सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ. ठीक है, यानी कि न्यूटन लॉ को, न्यूटन सेकेंड लॉ को ही लोग रियल लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं और सेकेंड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट पे आ जाए. न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ को डिराइव किया जाए सेकेंड लॉ के हेल्प से. ठीक है, ये हो गया टॉपिक हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ. देखिए फर्स्ट लॉ है क्या, कि अगर किसी बॉडी पर हम किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए. नाउ इफ F is zero, then MA equal to क्या हो जाएगा, zero. मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो F equal to zero होगा, then MA equal to zero. This implies that A equal to zero. और अगर किसी बॉडी में एक्सलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये है, it implies that there is no change in velocity. क्योंकि एक्सेलरेशन को ही तो चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा है. तो नो चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, बी एट रेस्ट. ठीक है, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, विथ वेलोसिटी वी, तो वो मोशन में ही रहेगा, बी इन मोशन विथ सेम वेलोसिटी. इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में ही मोशन करता रहेगा. तो एक तरीके से ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, यहां से हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर दिया. ठीक है, अब आते हैं थर्ड लॉ पर. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ना. न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. देखा जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ तो मालूम ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो उसी चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है. सपोज दैट देयर इज अ टू बॉडी, ठीक, दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं. बॉडी वन और बॉडी टू,
ठीक है, जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वन बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग जाए कोलाइड करने के बाद इधर इधर भाग जाएंगे ना उल्टा, मतलब मान लीजिए, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये एफ वन टू और एफ टू वन फोर्स एक दूसरे के वो ऊपर अप्लाई करेंगे। Assume this collision is for the very short interval del t, मतलब एक दूसरे से del t time के लिए collide कर रहे हैं, ठीक? Then impulse, impulse का formula क्या होता है? Impulse equal to चेंज इन मोमेंटम, ये मैंने पहले बता रखा है। तो पहली बॉडी का इंपल्स कितना है, फोर्स वन टू लगाओ कितने टाइम के लिए, डेल्टी टाइम के लिए, और ये चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए उसका हो गया डेल पी वन, ये चेंज इन मोमेंटम। एंड दूसरी बॉडी पर फोर्स कितना लगा है, एफ टू वन डेल टी टाइम के लिए, और चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए डेल पी टू हो गया। ठीक है, अब देखो जब कोलिजन हो रहा है तो ये एक दूसरे के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं रहे, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, हमने इन दोनों का अगर एक सिस्टम मान ले तो ये F12 और F21 इन दोनों के इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है? As no external force is applied, thus टोटल चेंज इन मोमेंटम शुड बी जीरो, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। thus टोटल चेंज इन मोमेंटम मीन डेल पी वन प्लस डेल पी टू, चेंज जीरो होना चाहिए, मोमेंटम कॉन्स्टेंट चेंज जीरो, ठीक है? लोग बोलते हैं ना कि इफ नो फोर्स इज अप्लाइड देन द चेंज इन द मोमेंटम इज जीरो एंड द मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो चेंज जीरो होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, दोनों शब्दों में अंतर है। जैसे मान लीजिए मैं समझा दूं, आपके पास माने 100 रुपए हैं, ठीक है, और आप के पास दो दिन के बाद भी यही 100 रुपया बचा है, तो रुपीस तो आपका कांस्टेंट है ना, मनी कांस्टेंट है, जो पहले था वही अभी भी है। कोई पूछे कि चेंज कितना हुआ, कितना बदलाव हुआ, तो कोई बदलाव नहीं, जीरो बदलाव है। उसी तरीके से डेल पी वन प्लस डेल पी टू इक्वल टू जीरो। अब डेल पी वन की वैल्यू कितनी है, एफ वन टू इंटू डेल पी, डेल पी टू की एफ टू वन इंटू डेल टी इक्वल टू जीरो। डेल टी कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए तो भी वो जीरो हो जाएगा, यानी कि एफ वन टू प्लस एफ टू वन इक्वल टू जीरो। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ वन टू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन वेक्टर, और इसी को तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं, which is Newton's third law. ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।